नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं अपने यूएन अकाउंट से आप कैसे पैन कार्ड लिंक कर सकते हो। अगर आपके यूएन अकाउंट पर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करना है, मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो का आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। यहां पर आपको साइड में दिखाई दे रहा है पैन कार्ड लिंक नहीं है, आपको भी एक बार चेक कर लेना है अपने यूएन अकाउंट पर पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। अगर आपके यूएन अकाउंट पर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो कैसे करना है, इस वाले वीडियो में ए टू जेड बताऊंगा न्यू प्रोसेस के तहत। वीडियो को देखने के बाद जाकर आपको पता चलेगा। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर आपने पैन कार्ड के केवाईसी नहीं कर सकते, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने ईपीएफओ के साइड में जाके बताया था। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास जो भी है, आपको क्या करना है गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ईपीएफओ, यही टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ पर केवाईसी अपडेट मेंबर, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। दोनों में कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। अगर आप मोबाइल में करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट में क्लिक करना है। नीचे आपको डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लैपटॉप कंप्यूटर में जैसे ओपन होगा आपके मोबाइल पर भी सेम चीज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने यूएन नंबर यहाँ पर फिल करना है, अपने यूएन नंबर के पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन दिखाई दे रहा है, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब अकाउंट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप डिटेल्स चेक करने चाहते हो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो पैन कार्ड नॉट अवेलेबल, तो आपको पैन कार्ड अपडेट करने के लिए दो तरीका है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज दिखाई दे रहा है, मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फर्स्ट पेज से करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैन नॉट अवेलेबल, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वही सेम पेज पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसी पेज पर आप आ जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर बैंक के केवाईसी है, आधार कार्ड के केवाईसी है, लेकिन पैन कार्ड के केवाईसी नहीं है। पैन कार्ड के केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 डिजिट पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो कि आपके गलत नहीं होना चाहिए, सही पैन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। आपको ध्यान रखना है आपके पैन कार्ड में जो भी नाम है आपके यूएन अकाउंट पर भी सेम नाम होना चाहिए, तो ही जाके यहाँ पर सबमिट होगा। नहीं तो यहाँ पर सबमिट नहीं होगा, सबमिट होगा तो यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाएगा बाद में, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये वाले ऑप्शन पहले यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है अपने यूएन अकाउंट पर भी सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तो ही जाके आप यहाँ पर पैन कार्ड के केवाईसी कर सकते हो। ये जो न्यू प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस के तहत आपको ध्यान रखना है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, प्लस आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है अपने यूएन अकाउंट पर भी सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तो ही जाके आप अपने पैन कार्ड के केवाईसी कर सकते हो। पहले ये वाले ऑप्शन नहीं था। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव दिखाई दे रहा है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास इसी टाइप के पेज ओपन हो जाएगा। अपने नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई देगा। इसी मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी आया, आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो केवाईसी डिटेल सेव एंड विल बी सेटेड ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूव बाय एम्प्लॉयर, जब आपके एम्प्लॉयर यहां पर वेरीफाई कर देगा यहां पर हट जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो जैसे कि यहां पर केवाईसी पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, जो भी आप यहां पर करते हो केवाईसी यहां पर पेंडिंग सेक्शन में दिखाई देगा। उसके बाद आपको और एक चीज ध्यान रखना है, आपके एम्प्लॉयर जब तक अप्रूव नहीं करेगा यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अप्रूव, इसी टाइप के आपके पास भी आ जाएगा। जैसे आपके एम्प्लॉयर वेरीफाई कर देगा तो आपको यहाँ पर अप्रूव करके आ जाएगा, ऊपर हिस्से में दिखाई देने लगेगा। अगर आपके एम्प्लॉयर 2 महीने के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में आ जाएगा, रिजेक्शन भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अप्रूव होगा तो यहाँ पर ऐसे अप्रूव करके दिखाई देगा, अगर आपके रिजेक्ट होगा केवाईसी यहाँ पर रिजेक्ट करके आ जाएगा। तो केवाईसी करने के
बाद आपको ये ध्यान रखना है, आपके एम्प्लॉयर से एक बार बात कर लेना है जो केवाईसी अप्रूव कर दे। ओके करने के बाद आपके अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 महीने के अंदर अगर आपके एम्प्लॉयर यहाँ पर ओके नहीं करते यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा।